आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ में एक चोर को पीटना व्यवसाय परिवार के लिए भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी के गुंडों के दबाव में पुलिस ने व्यापारी हिंदू पक्ष को 302 हत्या का अपराधी बनाकर जेल भेज दिया। एक ही परिवार के कई सदस्य जेल गए। हिंदू समाज में रोष है, इसमें पुलिस प्रशासन की गलती है। कप्तान ने अज्जू सहित तमाम मुसलमानों के दबाव में आनन फानन में 302 में मुकदमा लिख दिया, जबकि घटना 304 गैर इरादतन हत्या की थी। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है। जैसे गौरव एक वासी में पीड़ित परिवार एक कल औरंगजेब लड़के की पीट पीट कर दबाने में हत्या कर दी गई है। इसी संदर्भ में भारतीय किसान सेना का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित पक्षों से कल शाम 6 बजे मिलने जाएंगे। जनता से अपील करते हैं शांति बनाए रखें। इस पर कोई भीड़ भाड़ का या कोई गलत आवाज़ ये देखिए बताओ। मैं मोहम्मद समीर, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना से। जैसे हमें अभी पता चला है कि आज सुबह से अलीगढ़ शहर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, हमारी किसान सेना उस पर गौर निंदा करती है कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन हम इसी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को और अलीगढ़ के प्रशासन को कि अलीगढ़ शहर में फोर सैलेंट करी जाए और अलीगढ़ शहर को शांति का प्रतीक बनाया जाए कि कोई भी भाई कोई ऐसी बात कोई टिप्पणी ना दे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि शांति बनाए रखे। और हम अलीगढ़ के प्रशासन से विनती करते हैं कि जो पीड़ित परिवार के यहाँ जो दुर्घटना की गई, जो रात कल 18 तारीख को रात 10 बजे घटना की गई औरंगजेब के साथ में, उसमें जो भी मुलजिम है वो सीसीटीवी कैमरे में चेक करे जाए, कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें ना पकड़ा जाए, जो दोषी है उन्हें पकड़े जाए और पकड़ने के साथ साथ उन पर तुरंत कार्रवाई की हो। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, जैसे पहले भी आप बुलडोजर चलाते हुए आए तो हमारी मांगे उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए। और अलीगढ़ के सभी भाइयों से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। जय जवान जय किसान।